हेलो दोस्तों, तो चलिए इस लेक्चर में देख लेते हैं हम लोग यूपीपीसीएस 2014 का प्रारंभिक परीक्षा का फर्स्ट पेपर। ठीक, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट। पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2013 की मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार भारत में बहुआयामी गरीबी से ग्रसित लोगों का प्रतिशत था, तो इसमें 53%, 53.7%। इसकी व्याख्या देखते हैं। मानव विकास रिपोर्ट 2013 के अनुसार भारत में बहुआयामी गरीबी से ग्रसित लोगों का प्रतिशत 53.7% है। यह आंकड़े वर्ष 2005-06 की सर्वे रिपोर्ट के आधार पर तैयार किए गए है। मानव विकास रिपोर्ट को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा प्रति वर्ष विकसित किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बिमल जलान पैनल गठित किया गया था, तो ये है बी ऑप्शन सही है। इसमें नए बैंकों को लाइसेंस देने हेतु आवेदन पत्रों को के सूक्ष्म परीक्षण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नए बैंकों को लाइसेंस देने हेतु आवेदन पत्रों के सूक्ष्म परीक्षण के लिए आरबीआई के ही पूर्व गवर्नर बिमल जलान की अध्यक्षता में एक पैनल का गठन कर वर्ष 2013 में किया गया था। इस पैनल ने फरवरी 2014 में अपनी रिपोर्ट आरबीआई को प्रस्तुत की थी। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, विश्व विकास प्रतिवेदन वेदन 2010 की विषय वस्तु थी, तो बी ऑप्शन सही है। इसमें राष्ट्रों का वास्तविक धन मानव विकास के रास्ते। अगला चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, निम्नलिखित मंत्रालयों में से कौन में से नालंदा परियोजना किसका कार्यक्रम है, तो सी ऑप्शन सही है। इसमें अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय। नालंदा परियोजना को मार्च 2014 में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया। इस परियोजना का उद्देश्य अल्पसंख्यकों का उच्च शिक्षण संस्थानों में संकाय विकास। यह परियोजना अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से प्रारंभ की गई है। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन है, ग्रीन इंडेक्स विकसित किया गया, यह इसमें ये ऑप्शन है सही। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा ग्रीन इंडेक्स हरा सूचकांक संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा तैयार किया गया है। अगला छठवां क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, विश्व व्यापार संगठन के अध्यक्ष पास्कल लेमी का स्थान लिया है, तो सी ऑप्शन सही है। इसमें रॉबर्ट अजेवेडो ने विश्व व्यापार संगठन के अध्यक्ष पद पर पास्कल लेमी का स्थान रॉबर्टो अजेवेडो ने लिया है। उन्होंने 1 सितंबर 2013 को अपना कार्यभार संभाला है। वे पूर्व में ब्राजील के राजनयिक रह चुके हैं। अगला सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी, तो इसमें डी ऑप्शन सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान भारत अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया था। इसे फेडरल कोर्ट का नाम दिया गया था। स्वतंत्रता के पश्चात इसका नाम सर्वोच्च न्यायालय कर दिया गया है। आठवां क्वेश्चन है, फरवरी 2014 में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन किया गया है, तो बी ऑप्शन सही है, जलंधर शहर में। फरवरी 2014 में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मेला व्यापार मेला जालंधर पंजाब में आयोजित किया गया। इस 5 दिवसीय व्यापार मेले का आयोजन इंडियाज प्रोग्रेस हार्मनी एंड डेवलपमेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने किया। नौवा क्वेश्चन देख लेते हैं, 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि वन की एवं मत्स्य पालन की वृद्धि दर अनुमानित है, तो बी ऑप्शन सही है। इसमें 4.0%। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि वन की एवं मत्स्य पालन की अनुमानित वृद्धि दर 4% मानी गई। 11वीं योजना में यह दर 3.3% थी, जबकि 10वीं योजना में यह दर 2.4% रही थी। अब 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं, सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है, तो आपको बता दें इसमें ए ऑप्शन सही है। ठीक, खाद्य उत्पादन में वृद्धि हरित क्रांति से संबंधित है, दुग्ध उत्पादन ये श्वेत क्रांति से संबंधित है, मत्स्य पालन ये नीली क्रांति से संबंधित है, उर्वरक
ये भूरी क्रांति से संबंधित है। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। खाद्य उत्पादन में वृद्धि, हरित क्रांति, दुग्ध उत्पादन, श्वेत क्रांति, मत्स्य पालन, नील क्रांति और भूरी क्रांति। अब 11वां देख लेते हैं क्वेश्चन। एक ट्राई टाइम एक कार्यक्रम है, तो इसमें ये ऑप्शन सही है, ग्रामीण विकास का। ट्राई टाइम भारत सरकार द्वारा ग्रामीण युवाओं 18 से 35 वर्ष के मध्य को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रारंभ किया गया था। इसका पूरा नाम ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में वाहिनी दरबार समाचार पत्र महिलाओं द्वारा और महिलाओं के लिए प्रकाशित होता है? तो इसमें डी ऑप्शन सही है, एमपी, मध्य प्रदेश। वाहिनी दरबार एक हस्तलिखित मासिक समाचार पत्र है जो दभोरा रीवा जनपद मध्य प्रदेश की ग्रामीण महिलाओं के द्वारा चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत गांव तथा समीपवर्ती क्षेत्रों की घटनाओं तथा समस्याओं प्रकाशित की जाती हैं। इस जिले के सरकारी कार्यालयों, पत्र पत्रिकाओं के कार्यालयों में भी भेजा जाता है। 13वां क्वेश्चन है, सरकार के अनुमानों के अनुसार 12वीं पंचवर्षीय योजना में आधारभूत संरचना के लिए आवश्यक निवेश का आकार होगा? तो इसमें डी ऑप्शन सही है, 1000 बिलियन। सरकार के अनुमानों के अनुसार 12वीं पंचवर्षीय योजना में आधारभूत संरचना के लिए आवश्यक निवेश का आकार 1000 बिलियन डॉलर होगा। 14वां क्वेश्चन है, सितंबर 2012 में विश्व बैंक के प्रमुख अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय हैं? तो सी ऑप्शन है, कौशिक बसु। सितंबर 2012 में विश्व बैंक में वरिष्ठ उपाध्यक्ष विकास अर्थशास्त्र में एवं मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त होने वाले भारतीय अर्थशास्त्री कौशिक बसु हैं। इससे पूर्व वे भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार थे। 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक ग्रामीण पर्यटन परियोजना के क्रियान्वयन में सर्वोत्तम राज्य घोषित किया गया? तो ये ऑप्शन सही है, सिक्किम। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने फरवरी 2014 में ग्रामीण पर्यटन परियोजना के क्रियान्वयन में सर्वोत्तम राज्य का सम्मान सिक्किम राज्य को दिया है। 16वां क्वेश्चन देख लेते हैं, योजना आयोग के अनुसार अनुमानों के अनुसार वर्ष 2011-12 में निर्धनता रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले गरीब लोगों की सबसे अधिक संख्या किस राज्य में थी? तो सी ऑप्शन, उत्तर प्रदेश। वर्ष 2011-12 के लिए योजना आयोग के अनुमानों के अनुसार निर्धनता के की रेखा से नीचे बीपीएल जीवन यापन करने वाले लोगों की सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश में 598.19 लाख थी, मध्य प्रदेश में यह संख्या 234 लाख, बिहार में 358 लाख, महाराष्ट्र में 157 लाख थी। 17वां क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन भारत में राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर का पर निर्धनता के अनुमानों के लिए केंद्रक अभिकरण है? तो डी ऑप्शन है, योजना आयोग। भारत में राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर निर्धनता के अनुमानों के लिए नोडल एजेंसी योजना आयोग है। वर्तमान में योजना आयोग निर्धनता अनुमानों के लिए तेंदुलकर फॉर्मूले का उपयोग करता है। 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? तो बी ऑप्शन है, अभ्यक। उत्तर प्रदेश में अभ्यक नहीं पाया जाता है। चूना पत्थर मिर्जापुर में पाया जाता है, सोनभद्र में, बॉक्साइट बादा बचंदौली में तथा जिप्सम झांसी व हमीरपुर में पाया जाता है। चूने के पत्थर की संचित राशि के हिसाब से उत्तर प्रदेश का देश में दूसरा स्थान है। अब 19वां क्वेश्चन देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश में वर्ष 2011-12 में राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान लगभग था? तो बी ऑप्शन है, 24.5%। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश वर्ष 2011-12 में राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान 25% था। 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं, ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का सृजन किस के अधीन किया गया? तो बी ऑप्शन सही है, नाबार्ड। ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का सृजन राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के अंतर्गत किया गया। इसे वर्ष 1995-96 के बजट से प्रारंभ किया गया। इसका एकमात्र उद्देश्य राज्य सरकारों को अल्प लागत विकास फंड उपलब्ध कराना है। 21वां क्वेश्चन देख लेते हैं, वर्ष 2011-12 में दुग्ध का सर्वाधिक उत्पादन निम्न में से किस राज्य में हुआ? तो ये ऑप्शन सही है, उत्तर प्रदेश। वर्ष 2011-12 के आंकड़ों के अनुसार दुग्ध का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के मार्च 2011 सॉरी 12 तक के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में
22,556 मिलियन टन दुग्ध उत्पादित किया गया। 22वां क्वेश्चन देखते हैं, विजन 2022 फॉर इंडिया दस्तावेज संबंधित है, तो डी ऑप्शन गरीबी उन्मूलन से। विजन 2020 फॉर इंडिया दस्तावेज गरीबी उन्मूलन से संबंधित है। 23वां देखते हैं, निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है, तो बी ऑप्शन नक्श से। नक्श प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रेगनर नक्श ने निर्धनता का दुष्चक्र सिद्धांत प्रस्तुत किया। इसके अनुसार अल्प विकसित देश गरीबी के दुष्चक्र में है, जिसमें गरीबी और गरीबी को जन्म देती है तथा बढ़ावा देती है। इस कारण ये देश हमेशा गरीबी में फंसे रहते हैं। 24 देख लेते हैं, सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है। आंसर इसकी व्याख्या डायरेक्ट देख लेते हैं, सर्व शिक्षा अभियान 2011 सॉरी सर्व शिक्षा अभियान 2001 से शुरू किया गया। साक्षर भारत 2009, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1887, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988, डी ऑप्शन सही था। 25वां देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित है, तो सी सही है इसमें, सांडी वन्यजीव अभयारण्य हरदोई में। ठीक, इसकी व्याख्या देख लेते हैं, सांडी वन्यजीव अभयारण्य हरदोई, बखीरा वन्यजीव अभयारण्य संत कबीर नगर, ओखला वन्यजीव अभयारण्य गौतम बुद्ध नगर, और महावीर स्वामी वन्यजीव अभयारण्य ललितपुर। सी ऑप्शन सही था इसमें। 26 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सही सम्मिलित नहीं है, तो इसमें ये ऑप्शन है, सुनहरी लंगूर विलुप्त प्राय नहीं है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कन्वेंशन ऑफ नेचर की लुप्त प्राय जीवों की सूची में सुनहरी लंगूर को विलुप्त प्राय की श्रेणी में शामिल किया गया। इस सूची में मरुस्थलीय बिल्ली के नाम से कोई भी जानवर सूचीबद्ध नहीं है। चीनी मरुस्थलीय बिल्ली सूची में असुरक्षित श्रेणी में शामिल है। ये ऑप्शन सही था। निम्नलिखित में से कौन एक किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो ये ऑप्शन है, व्यापक निचकर्मता। व्यापक निच किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है। संकुचित निच, बड़े आकार वाला शरीर, अनुवांशिक भिन्नता की कमी, ये उत्तरदायी है। 28 देखते हैं, भारत सरकार द्वारा घोषित ABC सूचकांक का संबंध है, सी ऑप्शन स्वास्थ्य से। भारत सरकार द्वारा घोषित ABC सूचकांक का संबंध स्वास्थ्य से संबंधित है। एजेंडा 21 में कितने समझौते हैं, बी ऑप्शन सही है। एजेंडा 21 एक सतत विकास संबंध में संयुक्त राष्ट्र का एक गैर बाध्यकारी समझौता है। इसे संयुक्त राष्ट्र के रियो सम्मेलन 1992 से प्रारंभ किया गया। इसके अंतर्गत 5 समझौते शामिल किए गए। भारत में जैव विविधता अगला है, 30वां क्वेश्चन, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान है, ये ऑप्शन पश्चिमी घाट। भारत में पश्चिमी घाट जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान है। 31 देख लेते हैं, पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वना अंतर्गत क्षेत्रफल होना चाहिए, तो पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए वनाच्छादित भूमि का क्षेत्रफल होना चाहिए कुल भूमि का 33%। सी ऑप्शन सही था। 32 देख लेते हैं, वायु दाब सबसे कम होता है, बी ऑप्शन, ग्रीष्म ऋतु में वायु का तापमान बढ़ने पर वह गर्म होकर ऊपर उठती है तथा निम्न वायु दाब का निर्माण होता है, अर्थात ग्रीष्म ऋतु में तापमान अधिक होने के कारण वायु दाब सबसे कम होता है। उत्तर प्रदेश में सबसे जलवायु क्षेत्रों की संख्या है, तो 9। कृषि को प्रभावित करने वाले मृदा प्रकार, वर्षा, तापमान, जल एवं मानव संसाधन आदि कारकों को आधार बनाकर उत्तर प्रदेश को निम्न क्षेत्रों में बांटा गया। इसमें शामिल है भावर तराई, दूसरा है पश्चिम मैदान, पश्चिमी मैदान, तीसरा है मध्य पश्चिमी मैदान, चौथा है दक्षिण पश्चिमी समशुष्क मैदान, पांचवा है मध्य मैदान, छठवा है बुंदेलखंड, सातवा है उत्तर पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान, आठवा, नौवा विंध्य प्रदेश, 34वां है विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, तो ये ऑप्शन सही है, 16 सितंबर को। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। 35 देखते हैं, ग्रीन मफलर संबंधित है, तो सी ऑप्शन, ध्वनि प्रदूषण से। ग्रीन मफलर परियोजना के अंतर्गत राजमार्गों के किनारे हरे पौधे वृक्षों की कतारें खड़ी करके ध्वनि प्रदूषण से बचा जा सकता है, क्योंकि हरे पौधे ध्वनि की तीव्रता को 10 से 15 डेसिबल तक कम कर सकते हैं।
छत्तीस देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है? ए ऑप्शन सही है, समुद्र। विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र समुद्र है। इसे स्वच्छ जल पारिस्थितिकी तथा समुद्री जल पारिस्थितिकी में विभाजित किया जाता है। पारिस्थितिकी को सर्वप्रथम परिभाषित करने और विस्तृत अध्ययन करने का श्रेय जर्मन जीव विज्ञान विज्ञान अर्नेस्ट हैकल को जाता है। 37 देखते हैं, मैथेन गैस का उत्पादन करने वाला क्षेत्र है? तो बी ऑप्शन धान का खेत। मैथेन गैस वायुमंडल में हरित गैस दबाव में वृद्धि करती है। इसके उत्पादन का प्रमुख स्रोत पान के खेत, कोयले की खाने, धान के खेत, कोयले की खाने, घरेलू पशुओं का मल तथा आर्द्र भूमि सर्वाधिक है। 38 देख लेते हैं, नीरी स्थित है? तो ये ऑप्शन नागपुर में। नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर में महाराष्ट्र में स्थित है। 39 बायोटेक्नोलॉजी पार्क स्थित है? तो ये ऑप्शन लखनऊ में। निम्नलिखित वर्षों में से कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ? तो 1986। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम वर्ष 1986 में पारित किया गया था। इस अधिनियम को बनाने के पीछे भोपाल त्रासदी 1984 की विभीषिका से ने फेरक का काम काम किया था। यह अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 253 के अंतर्गत बनाया गया था। 41 देख लेते हैं, भारत में अवस्थापित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान है? तो बी ऑप्शन कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। भारत में अवस्थापित होने वाला प्रथम राष्ट्रीय पार्क जिम कार्बेट नेशनल पार्क नैनीताल उत्तराखंड में। इसकी स्थापना 1936 में हेली नेशनल पार्क नाम से की गई थी। वर्ष 1955-56 में इसका नामकरण प्रसिद्ध शिकारी जिम कार्बेट के नाम पर किया गया। यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर, हाथी, गोल्डन जिकाल, सांबर हिरण, फिश इंगल आदि पाए जाते हैं। यह टाइगर रिजर्व भी है। 42 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक द्वितीय प्रदूषण नहीं है? तो सी ऑप्शन सही है, इसमें सल्फर डाई ऑक्साइड। ऐसे वायु प्रदूषक जो प्राथमिक वायु प्रदूषक तथा साधारण वातावरणीय पदार्थों की क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं, द्वितीयक वायु प्रदूषक कहलाते हैं। इसमें ओजोन, परोक्सी एसिटिक, टिल नाइट्रेट व स्मोग आदि शामिल होते हैं। 43 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक सही सम्मिलित नहीं है? तो बी ऑप्शन है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हंगोल, ये सम्मिलित नहीं है, बाकी सम्मिलित है। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान हाथी, मानस राष्ट्रीय उद्यान हाथी, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर है। हंगोल बारह सिंगे की एक प्रजाति है। इसे कश्मीरी बारह सिंगर भी कहा जाता है, सिंगा भी कहा जाता है। यह मुख्य रूप से भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में पाया जाता है। यहाँ राज्य पशु भी है यहाँ का। यह IUCN की गंभीर संकट प्राणियों की सूची में शामिल है। 46 देखते हैं, सूर्य से आने वाली हानिकर कारक परावैगनी विकिरण कारण होता है, हो सकता है? तो डी ऑप्शन तो चाहिए कैंसर का। सूर्य से आने वाले परावैगनी विकिरण को पृथ्वी तक पहुंचने से ओजोन गैस की परत रोकती है। यदि यह विकिरण सीधा पृथ्वी पर आने लगे तो इससे त्वचा कैंसर हो सकता है। स्लीप एजिया एक भयंकर निद्रा दोष है जिसमें, सी ऑप्शन सही है, इसमें निद्रा में बार बार थोड़ी थोड़ी देर के लिए श्वास बाधित होता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं, स्लीप हिपनिया एक निद्रा विकार है। इसके अंतर्गत निद्रा की स्थिति में श्वास में अवरोध उत्पन्न होता है। लगभग 1 मिनट में 10 सेकंड हेतु इससे स्लीप स्टडी के द्वारा जांचा जाता है। इसके कारण निद्रा के दौरान मनोवैज्ञानिक घटनाओं का घटना। 46 देख लेते हैं, ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है? बी ऑप्शन है अल्ट्रा वायलेट किरणों से। ओजोन की परत बायोस्फीयर को अल्ट्रा वायलेट किरणों से बचाती है। यह ओजोन गैस से निर्मित एक परत है जो स्ट्रेटोस्फीयर के निचले भाग में पृथ्वी की सतह के ऊपर 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक अवस्थित है। 47 देख लेते हैं, जैव विघटित प्रदूषण है? तो बी ऑप्शन वाहित मल। जैव विघटित प्रदूषण उसे कहा जाता है जो अपघटकों के द्वारा अपघटित कर दिया जाता है। मुख्य रूप से जैवीय प्रदूषक पदार्थ जैसे वाहित मल, मरे हुए जानवर इत्यादि इसमें शामिल किए जाते हैं। जीवाणु तथा कवक इस प्रकार के प्रदूषण का अपघटन कर देते हैं। 48 देख लेते हैं, अस्पताल के निम्नलिखित में से किस विभाग में कैथ लैब होती है? तो सी ऑप्शन है कार्डियोलॉजी विभाग। कैथी
कैथेटराइजेशन प्रयोगशाला कैथ लैब के अंतर्गत दृश्य उपकरणों की सहायता से हृदय की धमनियों की जांच की जाती है। इसके अंतर्गत ECG, एक्सरे, दृश्य मॉनिटर आदि अनेक उपकरण होते हैं। 49 देखते हैं, सेरेब्रल पाल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः पाया जाता है। सी ऑप्शन सही है, छोटे बच्चों में सेरेब्रल पाल्सी या प्रमस्तिष्क पक्षाघात एक प्रमस्तिष्क संबंधी विकार है जो बच्चों में विकसित होने वाले मस्तिष्क के मोटर कंट्रोल सेंटर में हुई किसी क्षति के कारण होता है। यह बीमारी मुख्यतः गर्भावस्था, बच्चे के जन्म के समय और 3 वर्ष तक की आयु के बच्चों को होती है। कुछ 50 देख लेते हैं, कुछ समुद्री जंतु एवं कीट अंधेरे में अपने शरीर से विकास उत्पन्न करते हैं, इस परिघटना को कहते हैं। तो सी ऑप्शन ए बी दोनों, फास्फोरेंस रेसेंस बायो ल्यूमिनियंसेंस। समुद्री प्रकृति में बहुत से जीव एवं कीट स्वयं विकास उत्पन्न करते हैं। प्राणियों द्वारा स्वयं विकास उत्पन्न करने की इस क्षमता को जीव दीप्ति कहते हैं। इन जीवों के शरीर में फोटोफोर नामक अंग में एंजाइम्स एवं का विकास उत्पादन तत्व के मध्य जैव रासायनिक अभिक्रिया द्वारा यह विकास उत्पन्न होता है। जीवों द्वारा उत्पन्न यह विकास ऊष्मा रहित होता है। चलिए तो 51वां क्वेश्चन देख लेते हैं। स्त्रियों में रजोनिवृत्ति के पश्चात निम्न में से किस हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है? तो इसमें सी ऑप्शन सही है, एस्ट्रोजन। ठीक, स्त्रियों में रजोनिवृत्ति की स्थिति वह स्थिति है जब मासिक धर्म आना बंद हो जाता है। यह स्थिति साधारणतः 50 वर्ष के आसपास होती है। इस दौरान एस्ट्रोजन हार्मोन का उत्पादन बंद हो जाता है। इस अवस्था के पश्चात स्त्रियों में गर्भधारण की प्राकृतिक क्षमता समाप्त हो जाती है। 52वां क्वेश्चन देख लेते हैं, जैव विविधता का अर्थ होता है? तो सी ऑप्शन सही है, इसमें एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु। किसी प्राकृतिक प्रदेश में पाए जाने वाले जंगली तथा पालतू जीव जंतुओं एवं पादपों की प्रजातियों की बहुलता को जैव विविधता कहते हैं। विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। 53वां क्वेश्चन देख लेते हैं, कोरोनरी धमनी बाईपास सर्जरी में जो रक्त वाहिका ग्राफ्ट हेतु प्रयोग में लाई जाती है वह होती है? तो डी ऑप्शन है, उपयुक्त में से कोई नहीं। कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी हृदय की शल्य क्रिया होती है। यह सर्जरी हृदय को रक्त पहुंचाने वाली 3 धमनियों की रुकावट को खोलने के लिए की जाती है। यह रुकावट बस वसा के जमाव के कारण उत्पन्न होता है। 54वां क्वेश्चन देख लेते हैं, बायोलॉजिकल रिफेरसिंग एक आधुनिक शल्य तकनीक है जिसके द्वारा उपचार किए जाते हैं घुटने के जोड़ों का। बायोलॉजिकल रिफेरसिंग तकनीक का प्रयोग करके घुटनों के जोड़ों एवं कंधों के जोड़ों को उपचार किया जाता है। 55वां देख लेते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, इसके व्याख्या देखते हैं डायरेक्ट। विटामिन B1, B12, कोबाल्ट, हीमोग्लोबिन लोहा, क्लोरोफिल, मैग्नीशियम, पीतल, तांबा। ठीक, 56वां क्वेश्चन देख लेते हैं, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है? तो बी ऑप्शन इसमें सही है, व्यक्ति की ऊंचाई की आदि। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई व्यक्ति की ऊंचाई की आदि होती है। समतल दर्पण की परावर्तक सतह समतल होती है। इसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के आगे रखी होती है। 57वां क्वेश्चन देख लेते हैं, होमी भाभा पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है? तो इसका आंसर इसका बी ऑप्शन सही है, नाभिकीय ऊर्जा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। होमी जहांगीर भाभा पुरस्कार को टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई तथा इंटरनेशनल नेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड फिजिक्स ने वर्ष 2010 में स्थापित किया। यह $5,000 का द्विवार्षिक पुरस्कार है जो ऐसे विज्ञानियों को दिया जाता है
जिसने नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया हो। 58 क्वेश्चन देख लेते हैं। ध्वनि तरंग नहीं चल पाती, चल सकती? तो डी ऑप्शन है इसमें, निर्वात में, ठोस में, द्रव में, गैस में चल सकती है, निर्वात में नहीं चल सकती। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न होती है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल मुक्तता, माध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर निर्भर करती है। इसकी चाल ठोस में सर्वाधिक, गैस में सबसे कम और ध्वनि तरंग निर्वात में नहीं चल सकती है। 59 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक विस्फोटक पदार्थ नहीं है? तो डी ऑप्शन है इसमें, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। नाइट्रोक्लोरोफॉर्म एक रंगहीन अघुलनशील द्रव है। मनुष्य के संपर्क में आने पर यह आंसू एवं उल्टी का कारण होता है। इसे कीटनाशक तथा आंसू गैस के रूप में प्रयोग किया जाता है। 60 देख लेते हैं। एक किंतम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो बी ऑप्शन है, सौर सेल। किंतम उपग्रह अंतरिक्ष में पृथ्वी की ध्रुवीय कक्षा में तथा भूस्थिर कक्षा में स्थापित किए जाते हैं। इन उपग्रहों की ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करने के लिए इनमें विशाल सौर पैनल लगाए जाते हैं, जिनसे सौर सेल चार्ज होकर उपग्रह को ऊर्जा प्रदान करते हैं। 61 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के पद से मार्च 2014 में त्याग पत्र दिया था? तो बी ऑप्शन है, केसी चक्रवर्ती। मार्च 2014 में भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर केसी चक्रवर्ती ने अपने पद से त्याग पत्र दिया था। उनका कार्यकाल जून 2014 तक था। 62 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस ने मार्च 2014 में विश्व महिला स्क्वैश चैंपियनशिप जीती? तो ये ऑप्शन है, लोरा मस्सारो। मार्च 2014 में मलेशिया में संपन्न विश्व महिला स्क्वैश चैंपियनशिप को इंग्लैंड की लोरा मस्सारो ने जीता। उन्होंने एकता मिस की नोरी अल सेरविनी को हराकर जीता। 63 देख लेते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किसने फरवरी 13 फरवरी 2014 को लगातार छठी बार शून्य घाटे बजट प्रस्तुत किया है? तो सी ऑप्शन है, जम्मू कश्मीर। 13 फरवरी 2014 को जम्मू कश्मीर के वित्त मंत्री अब्दुल रहीम राघेर ने लगातार छठी बार राज्य का जीरो डिफिसिट बजट प्रस्तुत किया। वे राज्य नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन सरकार में वित्त मंत्री हैं। राघेर ने 14वीं बार राज्य का बजट पेश किया है। 64 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस एक राज्य ने मार्च 2014 में अन्न श्री योजना का राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम में विलय करने का निर्णय लिया था? दिल्ली। दिल्ली ने मार्च 2014 में अन्न श्री योजना का राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम में विलय करने का निर्णय लिया। 65 देख लेते हैं हम लोग। 65 का क्वेश्चन है, 101वें भारतीय साइंस कांग्रेस का आयोजन 3 से 7 फरवरी 2014 के बीच हुआ है जम्मू में। 101वें भारतीय साइंस कांग्रेस का आयोजन 3 से 7 फरवरी 2014 के बीच जम्मू में हुआ है। 66 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस 3 राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव लोकसभा चुनाव 2014 के साथ संपन्न हुए? तो सी ऑप्शन है इसमें, आंध्र प्रदेश उड़ीसा सिक्किम। आंध्र प्रदेश उड़ीसा सिक्किम विधानसभाओं के चुनाव लोकसभा चुनाव 2014 के साथ संपन्न हुए। 67 देख लेते हैं। फरवरी 2014 में देश के प्रथम पोस्ट ऑफिस सर्वेगेस बैंक एटीएम का उद्घाटन हुआ है? तो सी ऑप्शन है, चेन्नई। फरवरी 2014 में देश के प्रथम पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक एटीएम का उद्घाटन तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने चेन्नई में किया है। 68वां, नरेंद्र मोदी द मैन द टाइम्स पुस्तक लिखी गई? तो डी ऑप्शन, नीलांजन मुखोपाध्याय द्वारा। नरेंद्र मोदी द मैन द टाइम्स पुस्तक नीलांजन मुखोपाध्याय द्वारा लिखी गई है। 69, निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतरिम रेल बजट 2014-15 की विशेषताओं में नहीं था? तो डी ऑप्शन है इसमें, उत्तर प्रदेश बिहार मध्य प्रदेश की सरकारों ने अपने से संबंधित क्षेत्रों में अनेक रेल परियोजनाओं की कीमतों में हिस्सा घटा बढ़ाने में सहमति व्यक्त की। उत्तर प्रदेश बिहार मध्य प्रदेश की सरकारों ने अपने से संबंधित क्षेत्रों में अनेक रेल परियोजनाओं की कीमतों में हिस्सा बांटने की सहमति व्यक्त करना अंतरिम रेल बजट 2014-15 की विशेषताओं में नहीं था। अब 70 देख लेते हैं हम लोग। विश्व आर्थिक मंच का 44वां वार्षिक अधिवेशन जो 22 से
25 जनवरी 2014 के बीच स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित हुआ था का विषय था। तो ये ऑप्शन है द रिसिपिंग ऑफ द वर्ल्ड ऑन सिक्लेक्यूवेंस फॉर सोसाइटी पॉलिटिक्स एंड बिजनेस विश्व आर्थिक मंच WEF के 44वें अधिवेशन का आयोजन 22 से 25 फरवरी जनवरी सॉरी जनवरी 2014 को दावोस स्विट्जरलैंड में किया गया। इस अधिवेशन का विषय द रिसिपिंग ऑफ द वर्ल्ड कॉन्सी क्वेंस फॉर सोसाइटी पॉलिटिक्स एंड बिजनेस था। 71वां क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 71वां है दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2014 के विजेता गुलजार का वास्तविक नाम है। तो ये ऑप्शन सही है संपूर्ण सिंह कलरा। वर्ष 2013 के लिए भारतीय सिनेमा का प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार कवि गीतकार तथा फिल्म निर्देशक गुलजार को दिया गया। गुलजार का पूरा नाम संपूर्ण सिंह कलरा है। 72 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से भारत की किस एक जनजाति ने लोकसभा चुनाव 2014 में पहली बार मतदान किया। तो है सोम्पेन। लोकसभा चुनाव 2014 के लिए हुए मतदान में सोम्पेन जनजाति ने प्रथम बार मतदान किया। यह जनजाति अंडमान निकोबार संघ राज्य क्षेत्र की ग्रेट निकोबार में निवास करती है। यह पाषाण युगीन आदिवासी सभ्यता की अंतिम वंशज जनजाति है। 73वां देख लेते हैं। ISIS जिसने जून 2014 में 1700 इराकी सैनिकों की मौत के घाट उतार देने का दावा किया का पूरा नाम है। तो ये ऑप्शन है इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। इस संगठन का प्रमुख अबू बकर अल बगदादी है एवं यह एक सुन्नी इस्लामिक संगठन है जो इराक व लेवान सीरिया क्षेत्र में इस्लामिक राज्य कायम करना चाहता है। किसी कारण से इसे इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड द लेवांत नाम से भी जाना जाता है। 74 देख लेते हैं हम लोग। बोकी हरम जो हाल में ही नाइजीरिया के संदर्भ में समाचारों में था एक आतंकी संगठन है। बोको हरम नाइजीरिया का एक आतंकी संगठन है जो मई जून 2014 में 200 से अधिक स्कूली छात्राओं के अपहरण के कारण चर्चा में रहा। यह संगठन महिला शिक्षा को इस्लाम विरोधी मानता है। 75वां क्वेश्चन है जून 2014 में भारतीय नौसेना में औपचारिक तौर पर सम्मिलित किया गया विशालतम युद्धपोत है। तो INS विक्रमादित्य। रूस से प्राप्त विमान वाहक युद्धपोत एडमिरल गोरकोव को 14 जून 2014 को भारतीय नौसेना में INS विक्रमादित्य नाम से शामिल किया गया। भारत द्वारा इसकी खरीद हेतु समझौता जनवरी 2004 में हुआ था किंतु मूल संबंधी विवाद के चलते इसकी तैनाती में देरी हुई। इसकी लागत $2.35 बिलियन एवं वजन 44,500 टन है। 76 देख लेते हैं। निम्नलिखित में निम्न देशों में से किसने महिला हॉकी विश्व कप 2014 जीता। तो सी ऑप्शन है नीदरलैंड। नीदरलैंड ने महिला हॉकी विश्व कप 2014 जीता। 77वां क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के विषय में निम्न कथनों में से कौन सा असत्य है। तो इसमें सी ऑप्शन है 3 वर्षों में आयोग अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए आदेशित है। ये गलत है। 7वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा 14 फरवरी 2014 को की गई। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश अशोक कुमार माथुर को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया। आयोग को 2 वर्ष में अपनी रिपोर्ट देनी है जिसकी सिफारिश 1 जनवरी 2016 से लागू होगी। 78 देख लेते हैं। 78वां क्वेश्चन है IPL 2014 के 7वें सीजन का फाइनल मैच निम्न में से शहरों में से कहां हुआ। तो यह बेंगलोर में। IPL 7 प्रतियोगिता 16 अप्रैल से 1 जून 2014 के मध्य संयुक्त अरब अमीरात और भारत में खेली गई। फाइनल मैच बेंगलुरु के अन्ना स्वामी स्टेडियम में हुआ जिसमें कोलकाता नाइट राइडर्स ने किंग्स इलेवन पंजाब को 3 विकेट से पराजित कर दूसरी बार यह प्रतियोगिता जीती है। कोलकाता नाइट
राइट्स के मनीष पांडे को मैन ऑफ द मैच एवं किंग्स इलेवन पंजाब के ग्लेन मैक्सवेल को सबसे मूल्यवान खिलाड़ी चुना गया है। फीफा विश्व कप 2014 में कितने देशों ने भाग लिया था? तो इसमें फीफा विश्व कप 2014 में 32 टीमों ने भाग लिया था। इसका आयोजन ब्राजील के 12 शहरों में हुआ। 13 जुलाई को फाइनल मैच में जर्मनी ने अर्जेंटीना को पराजित कर यह टूर्नामेंट जीता। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सरकारी तौर पर दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र को कब पोलियो मुक्त किया? तो ए ऑप्शन है 27 मार्च 2014 को। 27 मार्च 2014 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र को पोलियो मुक्त घोषित किया। इस क्षेत्र में 11 देश शामिल हैं, भारत सहित। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि पाकिस्तानी आतंकवादी अब्दुल वालिद फहीम जिन्हें 27 मार्च 2014 को गोरखपुर में गिरफ्तार किया गया था, उनके गोरखपुर पहुंचने का मार्ग था। ये ऑप्शन है कराची, काठमांडू, गोरखपुर। पाकिस्तानी आतंकवादी अब्दुल वालिद और फहीम कराची काठमांडू होते हुए भारत में गोरखपुर पहुंचे, जहां उन्हें 27 मार्च 2014 को गिरफ्तार कर लिया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 23 जनवरी 2014 को मॉस मर्को के पार्लियामेंट द्वारा दंड संहिता के एक अनुच्छेद में किए गए संशोधन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये ऑप्शन सही है, अल्पसंख्यक लड़की के बलात्कार को ट्रायल से बचने के लिए उसके साथ विवाह करना चाहिए। उत्तर अफ्रीकी राष्ट्र मोरक्को की दंड संहिता मोरक्कन पेनल कोड के अनुच्छेद 475 के तहत अल्पसंख्यक लड़की के बलात्कारी को ट्रायल एवं सजा से मुक्त किया जा सकता है यदि वह उस लड़की से व्यवहार कर लेता है। इस संशोधन को विश्व मानव अधिकार संगठनों ने महिलाओं के मानवाधिकार उल्लंघन का करार दिया। 83 अगला क्वेश्चन है, कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? तो बी ऑप्शन है 81 ईस्वी। कनिष्क के शासनकाल के तीसरे वर्ष में बौद्ध संत बाला द्वारा सारनाथ में बौद्धि सत्य प्रतिमा लेख स्थापित किया गया, जिसमें कनिष्क के बौद्ध अनुयायी होने की चर्चा की गई। यह बौद्धि सत्य प्रतिमा लाल पत्थर से बनी, जो मथुरा मूर्ति निर्माण शैली का प्रतीक निर्माण है। अगला क्वेश्चन, 84 लंदन स्थित मानवाधिकार संगठन द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार निम्नलिखित देशों में कौन एक विश्व का सर्वाधिक फांसी देने वाला देश है? तो चीन। 27 मार्च 2014 को लंदन स्थित अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा विश्व भर में मृत्यु दंड की वर्तमान स्थिति पर रिपोर्ट जारी की गई। हालांकि इन आंकड़ों में चीन द्वारा क्रियान्वित मृत्यु दंड की संख्या शामिल नहीं है, लेकिन रिपोर्ट के अनुसार शेष विश्व में क्रियान्वित मृत्यु दंड की कुल संख्या से भी अधिक मृत्यु दंड चीन में निष्पादित किए गए। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2013 में विश्व के 22 देशों में निष्पादित मृत्युदंड की कुल संख्या 778 थी। 85 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसे 16वीं लोकसभा हेतु कार्यकारी अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया? तो बी ऑप्शन कमलनाथ। 16वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर परंपरा अनुसार सदन के वरिष्ठतम सदस्य और छिंदवाड़ा से कांग्रेस सांसद कमलनाथ को चुना गया। प्रोटेम स्पीकर का कार्य नव निर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाना एवं नए स्थायी स्पीकर के चुने जाने तक सदन की कार्यवाही चलाना होता है। 86 देख लेते हैं, औरंगजेब ने किसको शाहीवाद उज जमानी की उपाधि प्रदान की थी? तो जहां आरा, औरंगजेब ने जहां आरा को सही शाहीवाद उज जमानी की उपाधि प्रदान की। औरंगजेब ने अपनी बड़ी बहन जहां आरा को यह उपाधि मरणोपरांत प्रदान की थी। 87 देख लेते हैं, 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? सिंधु। 1306 के ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली सल्तनत व मंगोलों के बीच की सीमा सिंधु नदी द्वारा तय होती थी। 88 देख लेते हैं, कौन सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता था? तो शेख निजामुद्दीन औलिया। शेख निजामुद्दीन औलिया को उनके सहिष्णु और उदार व्यवहार के कारण महबूब ए इलाही भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है ईश्वर का प्रेमी।
नवासी देख लेते हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? तो डी ऑप्शन सही है इसमें, ख्वाजा उस्मान हारूनी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा उस्मान हारूनी के शिष्य थे। कुतुबुद्दीन बख्तियार खाजी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे। मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म 1142 ईस्वी में ईरान में हुआ था। इनकी दरगाह अजमेर भारत में है। 90वां क्वेश्चन देखते थे, बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था? तो ए ऑप्शन सर एंड्रयू फेजर। बंगाल विभाजन के समय बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एंड्रयू हेंडरसन लीथ फेजर थे। इनका कार्यकाल 1903 से 1906 तक था। 91वां क्वेश्चन देखते थे, ब्रिटिश पत्रकार एच डब्ल्यू नेवी नेवेंशन जुड़े थे? तो सी ऑप्शन है स्वदेशी आंदोलन से। ब्रिटिश पत्रकार एच डब्ल्यू नेवीसन स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। 52वां क्वेश्चन, अबुल फजल द्वारा अकबरनामा पूरा किया गया था? तो इसमें 7 वर्षों में। अकबर के 9 रत्नों में से एक अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना की। इस अद्वितीय ग्रंथ की रचना 1590 ईस्वी से 1596 ईस्वी के बीच मध्य हुई थी। 93वें, बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किया? तो रुद्र दामन प्रथम ने। दस्तार 94वें क्वेश्चन है, दस्तार बंदान कौन कहलाते हैं? तो डी ऑप्शन उलेमा। इस्लाम में न्यायिक तथा धार्मिक महत्व के पदाधिकारियों को दस्तर बंदान के नाम से जाना जाता था, क्योंकि वे सिर पर पगड़ी या पाग पहनते थे। 95वां क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का कार्य सौंपा गया था? तो बी ऑप्शन महात्मा गांधी को। जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का कार्य महात्मा गांधी को सौंपा गया था। 96वां क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? तो शौकत अली ने। ए ऑप्शन सही है। बाल गंगाधर तिलक की 1 अगस्त 1920 को मृत्यु के बाद उनकी अर्थी को महात्मा गांधी के साथ मौलाना शौकत अली तथा डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने उठाया था। मौलाना हसरत मोहानी ने उस समय शोक गीत पढ़ा था। 97वां क्वेश्चन है, इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे? तो डी ऑप्शन है मनसुख लाल नजर। 98वां क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? तो डी ऑप्शन है, उन्होंने 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की। दादा भाई नौरोजी ने 3 बार 1886, 1893, 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। 99वां देख लेते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था? तो इसमें ऑप्शन है डी ऑप्शन सही है। ठीक है, अमृतसर अधिवेशन 1919। बाल गंगाधर तिलक कुमरू लिंग के अध्यक्ष के रूप में वर्ष 1918 में इंग्लैंड गए, लेकिन वर्ष 1919 के कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में भाग लेने के लिए वे भारत वापस लौटे थे। 100वां क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने अपनी निम्न पुस्तक में से किस में ब्रिटिश पार्लियामेंट को बान और बेसैक कहा? द हिंद, हिंद स्वराज। महात्मा गांधी ने संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था की आलोचना करते हुए हिंद स्वराज के अध्याय 5 में ब्रिटिश संसद को बान और बेसैक कहा था। अगला क्वेश्चन है 101, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से घटनाओं का सही कालानुक्रम पता कीजिए। तो इसमें ए ऑप्शन सही है। ठीक है, बीजी तिलक का निधन, एक अधिनियम के रूप में रॉलेट विधेयक का पास होना, जलियांवाला बाग नरसंहार, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन 1919। इसमें कूट ए सही है। पहले एक अधिनियम के रूप में रॉलेट विधेयक का पास होना, फिर जलियांवाला बाग नरसंहार, फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर
अधिवेशन 1919 और फिर वी तिलक का निधन। अगला क्वेश्चन है 102, निम्नलिखित में से कौन सा सही एवं सही सम्मिलित नहीं है? तो डी ऑप्शन है इसमें, फैंक फैंक मोरेस इंडिया फॉर्म कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर, फैंक मोरेस इंडिया फॉर्म कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर सम्मिलित नहीं है, एस सी बोस इंडियन स्ट्रगल, दादा भाई नौरोजी, पॉवर्टी एंड अनवेलफेयर रूल इन इंडिया, राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड। अगला 103वां क्वेश्चन है, वीजी तिलक की सजा के पश्चात निम्नलिखित में से किसने दया वकालत की थी और कहा था कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है? तो बी ऑप्शन मैक्स मूलर। वर्ष 1899 में इज ऑफ कंसेंट बिल के खिलाफ आंदोलन कारण अवमानना के आरोप में तिलक को 4 महीने कारावास की सजा सुनाई, जिसमें दया की वकालत करते हुए जर्मन के विद्यान्ती विद्वान मैक्स मूलर ने कहा। 104वां क्वेश्चन है, कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था? तो इसमें बी ऑप्शन है कलकत्ता अधिवेशन 1906। कलकत्ता अधिवेशन 1906 में कांग्रेस के मंच से पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। 105वां क्वेश्चन है, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक थे? तो सी ऑप्शन रफीक जकारिया। एक सौ छह है अगला क्वेश्चन, एक सौ छह क्वेश्चन है, अपनी फांसी से पूर्व निम्न क्रांतिकारियों में से किस एक ने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूंगा? राम प्रसाद बिस्मिल। सी ऑप्शन सही है इसमें, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी पर लटका दिया गया था। अपनी फांसी से पूर्व राम प्रसाद बिस्मिल ने दूध पीने से मना करते हुए यह कथन कहा था कि बिस्मिल को अन्य साथियों के साथ 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी। अगला क्वेश्चन है 107, निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को संभावना पुरस्कार कहा? तो इसमें एलन कैंपबेल जॉनसन। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को गांधी व इरविन के मध्य हुआ था, जिसमें गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए राजी हो गए थे। लॉर्ड इरविन की जीवनी लेख वाले ब्रिटिश लेखक एलन कैंपबेल जॉनसन ने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सत्वाना पुरस्कार कहा। अगला 108 है, सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं डायरेक्ट हम लोग। विनोबा भावे व्यक्तिगत सत्याग्रह, बीजी तिलक होम रूल आंदोलन, अवड़ा सब अली भारत छोड़ो आंदोलन, सरोजिनी नायडू धरसना रेड। ठीक, तो इसमें ए ऑप्शन सही है। अगली बात करते हैं 109, काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया? तो मोतीलाल नेहरू। डी ऑप्शन सही, काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था। 9 अगस्त 1925 को हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन द्वारा ट्रेन डकैती की गई, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल और अशरफ अशफिकउल्ला खान शामिल थे। इसमें राजेंद्र लाहिड़ी, चंद्रशेखर आजाद भी शामिल थे। 110, भारतीय स्वाधीनता विधेयक की राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी? तो ये ऑप्शन सही है इसमें, 18 जुलाई 1947 को। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के को 18 जुलाई 1947 को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई, इसमें इसके तहत भारत एवं पाकिस्तान दो पृथक देशों की स्थापना की स्वीकृति दी गई। 111, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना?
इसमें एससी बोस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन को सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना। 112वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1947 की कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद का समुदायवाद के पक्ष के समर्पण समर्पण के रूप में लिया? तो ये ऑप्शन है डॉक्टर किचलू। डॉक्टर किचलू ने वर्ष 1947 की कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद वाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया। 13वां 113वां क्वेश्चन है, सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है, जनजाति और क्षेत्र, इसकी व्याख्या डायरेक्ट देख लेते हैं। तो ए ऑप्शन सही है, बीर होर ये झारखंड में, भूटिया सिक्किम, टोडा तमिलनाडु, सेंटिन नेलीज अंडमान एवं निकोबार। ठीक है, तो ए ऑप्शन सही है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? तो ए ऑप्शन में भगत सिंह, द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट लंदन में श्याम जी कृष्ण वर्मा द्वारा शुरू किया गया था, सचिंद्र नाथ सन्याल द्वारा बंदी जीवन, लाला रामशरण दास द ड्रीम लैंड, भगवती चरण बोहरा द फिलोसफी ऑफ बम। 115वां क्वेश्चन है, नई दिल्ली में बस 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में निम्नलिखित में से किसने विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था? तो डी ऑप्शन है अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद ने वर्ष 1947 में कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में प्रस्तुत भारत विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था। 116वां क्वेश्चन है, सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है, पार्क तथा वन्य जीव अभ्यारण्य राज्य। ठीक है, तो अपन इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसमें ए ऑप्शन सही है, दाची ग्राम ये जम्मू कश्मीर में। ठीक, केवलादेव यह राजस्थान में, कान्हा राष्ट्रीय पार्क यह मध्य प्रदेश में, पेरियार वन्य जीव यह केरल में। ठीक है, देश की व्याख्या, दाचीग्राम वन्य जीव अभयारण्य जम्मू कश्मीर, केवलादेव घाना पक्षी अभयारण्य राजस्थान, कान्हा राष्ट्रीय पार्क मध्य प्रदेश, पेरियार वन्य जीव अब केरल। 117वां क्वेश्चन, विश्व में निम्नलिखित देशों का कुल रेलवे लंबाई की दृष्टि से सही अवरोही क्रम है? तो डी ऑप्शन सही है इसमें, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, भारत, जर्मनी। रेलवे लाइन की दृष्टि से देश का सही अवरोही क्रम इस प्रकार है, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, भारत, जर्मनी। 118वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यस्ततम समुद्री व्यापार मार्ग है? तो डी ऑप्शन उत्तरी अटलांटिक। उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग विकसित देशों के मध्य स्थित होने के कारण सर्वाधिक व्यस्त समुद्री जल मार्ग। 119 इंटरनेशनल को रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड टॉपिक्स स्थित है? तो डी ऑप्शन है हैदराबाद में। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड टॉपिक्स हैदराबाद में स्थित है। 120 भारत के पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती, वे छोटे प्रवाह क्षेत्र तथा अपेक्षाकृत कठोर चट्टानों पर प्रभावित होती है। तो ये ऑप्शन इसमें सही है, ए तथा आर दोनों सही है, तथा आर ए की व्याख्या करता है। इसकी व्याख्या, भारत के पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा न बनाकर ज्वार नद मुख बनाती है, क्योंकि वे छोटे प्रवाह क्षेत्रों एवं अपेक्षाकृत कठोर चट्टानों पर प्रभावित होती है, साथ ही नर्मदा व ताप्ती जैसी नदियां भ्रंश से होकर बहने के कारण भी डेल्टा निर्मित नहीं करती। 121 देख लेते हैं, रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है? तो सी ऑप्शन भारत पाकिस्तान। रेड क्लिफ रेखा भारत व पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित करती है, इसका निर्धारण 17 अगस्त 1947 को हुआ था। सर सिरिल रेड क्लिफ जिन्होंने इसे निर्धारित किया था के नाम पर इसका नामकरण किया गया। 22, निम्नलिखित में से कौन एक दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है? तो इसमें डी ऑप्शन है पाकिस्तान। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग।
पाकिस्तान 36.2%, भूटान 35.8%, भारत 31.2%, श्रीलंका 15.1%। 123वां क्वेश्चन है, वर्ष 2011 में निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य में उच्चतम लिंग अनुपात है? तो ये ऑप्शन है तमिलनाडु, तमिलनाडु में 996, आंध्र प्रदेश में 993, मणिपुर में 992, छत्तीसगढ़ में 991। अब बात करते हैं हम लोग 124, गन्ना उत्पादन 2013 में राज्यों का सही अवरोही क्रम है? तो बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा। गन्ना उत्पादन 2013 में राज्यों का सही अवरोही क्रम इस प्रकार है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा। 125वां है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक था? तो सी ऑप्शन सही है, गाजियाबाद। गाजियाबाद 3954, वाराणसी 2399, लखनऊ 1815। 126वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या एक जोड़ता है? तो ये ऑप्शन है इलाहाबाद हल्दिया। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या एक इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है, जिसकी लंबाई 1620 किलोमीटर है। इसकी घोषणा 27 अक्टूबर 1986 को की गई थी और इसमें गंगा, भागीरथी, हुगली नदी तंत्र शामिल है। यह चार राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से होकर गुजरता है। 127वां क्वेश्चन है, सोचिए को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो इसमें बी ऑप्शन सही है, बिली बिली ये ऑस्ट्रेलिया, हरिकेन ये संयुक्त राज्य अमेरिका, टाइफून ये चीन, और बागियों बागियो ये है फिलीपींस। ठीक, तो एक बार और देख लेते हैं इसकी व्याख्या। बिली बिली ये ऑस्ट्रेलिया में, हरिकेन यह संयुक्त राज्य अमेरिका, टाइफून यह चीन, बागियो यह फिलीपींस। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश बहुत महत्वपूर्ण यूरेनियम एक्स निक्षेप के लिए जाना जाता है? तो जायरे, डी ऑप्शन सही है। जापान लगभग आत्मनिर्भर है तांबे में? सी ऑप्शन है, जापान तांबे में न केवल लगभग आत्मनिर्भर है बल्कि निर्यात भी करता है। दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं? तो सी ऑप्शन है, वृक्षनुमा। दक्षिण भारत की नदियां कई प्रारूप अपवाह तंत्रों का निर्माण करती हैं। अमरकंटक व छोटा नागपुर क्षेत्र में गुमदाकार अपकेंद्रीय अपवाह तंत्र, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां रेखीय अपवाह तंत्र, पूर्व की ओर बहने वाली नदियां वृक्षनुमा या जालीदार अपवाह तंत्र का निर्माण करती हैं। अगला है, निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है? सी ऑप्शन, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा। भारत का निर्वाचन आयोग एक मुख्य रूप चुनाव आयोग के अलावा 2 अन्य चुनाव आयुक्तों से मिलकर बनता है। अनुच्छेद 324(5) के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त को उसी रीति और अन्य आधारों पर हटाया जा सकता है जिस रीति से और जिन आधारों पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, परंतु अन्य निर्वाचन आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। 132वां, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है पत्र लिखकर? बी ऑप्शन, राष्ट्रपति को। संविधान के अनुच्छेद 124(2) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश सहित राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है। 133, निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में कौन सही है? ठीक है, तो इसमें सी ऑप्शन सही है, यह भंग नहीं की जा सकती है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके एक तिहाई सदस्य का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष नहीं है, इसके सदस्य 25-30 आयु है, 25 नहीं है, 25 लोकसभा की होती है। ठीक है, इसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है इनका। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। राज्यसभा एक स्थायी सदन जिसका गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ। इसकी पहली बैठक 13 मई 1952
हुई। इसकी सदस्य संख्या वर्तमान में 245, 233 निर्वाचित, 12 मनोनीत, जो अधिकतम 250 हो सकती है। इसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष त्याग पत्र दे सकते हैं। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। ठीक है, याद रखिए, इसका गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 को, इसकी पहली बैठक 13 मई 1952। भारत की संसद में होते हैं, तो ये ऑप्शन सही है, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद, राष्ट्रपति, लोकसभा व राज्यसभा से मिलकर बनती है। 135 है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें शिशु जनसंख्या का प्रतिशत भाग ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम है, तो ये ऑप्शन है जम्मू कश्मीर। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जम्मू कश्मीर में शिशु जनसंख्या का प्रतिशत भाग ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम है। 136 है निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं, तो इसमें सी ऑप्शन है स्टेपीज। इसकी व्याख्या देख लेते हैं, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, वेल्ड्स दक्षिण अफ्रीका, स्टेपीज मध्य एशिया, यूरेशिया, फेरीज उत्तरी अमेरिका, पंपास अर्जेंटीना। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, वेल्ड्स दक्षिण अफ्रीका, स्टेपीज मध्य एशिया, यूरेशिया, फेरीज उत्तरी अमेरिका, पंपास अर्जेंटीना। 137वां है केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई, तो बी ऑप्शन है अनुच्छेद 268 से 281 के अंतर्गत। केंद्र व राज्यों के बीच राजस्व का वितरण संविधान के भाग 12 के अध्याय 1 के तहत आने वाले अनुच्छेद 268 से लेकर 281 के अनुसार होता है। इसमें करों के बंटवारे, राज्यों को संघ से प्राप्त अनुदान, वित्त आयोग के गठन संबंधी प्रावधान है। 138 से संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, तो सी ऑप्शन बी एन राव। कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा का चुनाव हुआ था, जिसकी बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। इस सभा के संवैधानिक सलाहकार बी एन राव थे, जिन्होंने संविधान का प्रारूप तैयार किया। इस प्रारूप पर चर्चा के लिए प्रारूप समिति गठित की गई थी। 139 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे, तो ये ऑप्शन है इसमें एन गोपाल अस्वामी, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सरदार पटेल। ठीक, तो एन गोपाल स्वामी थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे और सरदार पटेल थे। ठीक, इसकी व्याख्या देख लेते हैं, दिए गए विकल्पों में एन गोपाल स्वामी एवं अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य थे। इस समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अन्य सदस्य के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सदुल्ला, एन माधवराव, डी पी खेतान थे, जबकि जवाहरलाल नेहरू संघ संविधान समिति एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। 140 है निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधानिक संस्था नहीं है, तो इसमें बी योजना आयोग, वित्त आयोग, लोक सेवा आयोग, चुनाव आयोग, संविधानिक संस्था है, योजना आयोग नहीं। योजना आयोग का गठन वर्ष 1947 में पंडित नेहरू की अध्यक्षता में गठित आर्थिक नियोजन समिति की सिफारिश के आधार पर 15 मार्च 1950 को किया गया था। यह एक गैर संविधानिक एवं परामर्शदात्री संस्था थी, जिसके पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। यह भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती। 141वां क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिनों पूर्व की सूचना आवश्यक होती है, तो बी ऑप्शन है 14 दिन। भारत के राष्ट्रपति को संविधान के अतिक्रमण के आधार पर अनुच्छेद 61 में विविध भेद महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है, लेकिन ऐसे किसी प्रस्ताव के लिए राष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचना देना अनिवार्य है। साथ ही प्रस्ताव पर सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर भी हो। 142 देख लेते हैं, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देश देता है, तो बी ऑप्शन है 40। संविधान के भाग 4 के तहत नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया, जो अनुच्छेद 36 से 51 तक विस्तृत है। इसी में अनुच्छेद 40 भी वर्णित है कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा। इसी के अनुसार 73वें संविधान संशोधन को वर्ष 1993 में पारित कर ग्राम पंचायतों का गठन किया गया। इसमें त्रिस्तरीय ग्राम पंचायतों का गठन किया गया। 143 भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष
कौन मनोनीत करता है? तो ये ऑप्शन सही है, लोकसभा का अध्यक्ष। आकलन समिति की जुड़वा बहन के रूप में पिछले संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत होता है। इसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से 7 राज्यसभा होते हैं, जिन्हें प्रतिवर्ष अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत एकल संक्रमणीय मत द्वारा चुना जाता है। इसके मुख्य कार्य नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनों की जांच करना है। 144 देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सांसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है, जबकि यह राष्ट्रपति द्वारा आहूत की जाती है अनुच्छेद 108 के तहत। इसका उद्देश्य वैसे विधेयकों को पारित करना होता है जिन पर दोनों सदनों में मतभेद हो, लेकिन धन विधेयक एवं संविधान संशोधन विधेयक के बारे में यह प्रावधान लागू नहीं है। 145वां क्वेश्चन है अगला, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य दिल्ली। संघ राज्य क्षेत्रों में अंडमान निकोबार सबसे बड़ा है, दूसरे स्थान पर दिल्ली आता है, जबकि सबसे छोटा संघ राज्य लक्षद्वीप है। 146 निम्नलिखित में से किस बात में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई? तो डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा केशवानंद भारती बाद में प्रतिपादित की गई, इसमें से कोई भी विकल्प सही नहीं है। ठीक है, 147 किसी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है? तो बी ऑप्शन है इसमें सही, वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 6% वोट प्राप्त करता है। भारत में किसी भी दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु निम्न शर्तें पूरी करनी होती है, राज्य में हुए लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में कम से कम 6% कुल डले गए वैध वोटों का, साथ ही उसमें संबंधित राज्य में विधानसभा की कम से कम 2 सीटें प्राप्त की हों। 148 से भारत में निम्नलिखित राज्यों में के बनाने के सही कालक्रम की पहचान निम्न दिए गए कूट से कीजिए। तो बी ऑप्शन सही है इसमें, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम। दिए गए विकल्पों में राज्यों का गठन सही कालक्रम इस प्रकार है, आंध्र प्रदेश 1953 में, हरियाणा 1966, हिमाचल प्रदेश 1971, सिक्किम 1975। 149 राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय से कितने सदस्यों को नामित कर सकता है? यदि वह इस राय का है कि लोकसभा में समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो 2। राष्ट्रपति अनुच्छेद 331 के तहत लोकसभा में अधिकतम 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को मनोनीत कर सकता है यदि उसे लगता है कि लोकसभा में उस वर्ग का उचित प्रतिनिधित्व नहीं है। 150 से निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? तो ये ऑप्शन है पीवीएन राव। पीवीएन राव समिति का सदस्य संबंध पंचायती राज से संबंधित नहीं था। एलएम सिंघवी समिति पंचायत से संबंधित थी, अशोक मेहता समिति बलवंत राय समिति। तो दोस्तों ये था 2014 का यूपीपीसीएस का प्रारंभिक परीक्षा का पेपर जो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। 2015 का अगले लेक्चर में बात करेंगे।